हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में पंच एवं सरपंच के तृतीय चरण का निर्वोचन। अंतिम परीक्षण के बाद मतदान दलों की रवानगी, निष्ठा एवं सतर्कता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की हिदायत। बाड़मेर में शिव एवं धनाव पंचायत समितियों में तृतीय चरण के तहत पंच एवं सरपंच के निर्वोचन हेतु रिटर्निंग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों को अंतिम परीक्षण पश्चात निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं सतर्कता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की हिदायत के साथ सोमवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीन एवं आवश्यक निर्वोचक सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वोचक अधिकारी विश्राम मीना ने रवाना होने वाले मतदान दलों को शुभकामनाएं देते हुए निर्वोचन कार्य को पूर्ण मनोबल एवं धैर्य के साथ संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान से पूर्व मॉक पोल जरूर करें तथा मॉक पोल के बाद ईवीएम मशीन का क्लियर बटन दबाकर क्लियर करना ना भूलें। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष सुविधाएं बरतने तथा मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रवानगी से पूर्व अंतिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वोचक आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक अरुण कुमार पुरोहित ने पंचायत चुनाव कार्य को बिना जल्दबाजी के धैर्य एवं गंभीरता के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना कार्य को निष्पक्षता एवं पूर्ण सावधानी के साथ संपन्न करने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्वोचन कार्य में निर्वोचन आयोग के निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियाती उपायों के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तैयारियों का जायजा लिया तथा रवाना होने वाले दलों के लिए सामग्री वितरण एवं रवानगी व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश विशोई ने रिटर्निंग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों को पंचायत चुनाव की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में शिथिलांग मतदाताओं के लिए साथी की मदद से मतदान करने का प्रावधान था, लेकिन पंचायत चुनाव में ऐसी स्थितियों में पीठासीन अधिकारी की मदद से वोट डाले जाएंगे। इस दौरान दक्ष परीक्षक सह आचार्य मुकेश पाचोरी, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी, वरिष्ठ व्याख्याता मोंगू सिंह राठौड़ ने चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू समेत विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरे राम मेघवाल की रिपोर्ट।